ये है माइनक्राफ्ट का ट्रेलर जिसका ग्राफिक्स है काफ़ी ज़्यादा कमाल का, और मुझे पता है सबको ऐसा ग्राफिक्स चाहिए होता है, लेकिन जो ग्राफिक्स हमारे माइनक्राफ्ट में वो है कुछ ऐसा। अब मैं इस बेकार से ग्राफिक्स को बनाने वाला हूँ ऐसा, क्योंकि तो तुम्हें मुझे जानना है कि मैंने कैसे किया माइनक्राफ्ट की इस बेकार से मतलब टेक्सचर को ऐसा ट्रेलर जैसा टेक्सचर मैंने कैसे लाया था बता देता हूँ। सबसे पहले तुम्हें माइनक्राफ्ट खोलना है, और उसके बाद तुम्हें एक टेक्सचर पैक डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद तुम जिस भी वर्ल्ड में खेलते हो उसको एडिट में जाके उस टेक्सचर पैक को तुम्हें लगाना पड़ेगा, जैसे कि मैं इस वर्ल्ड में लगा के दिखा देता हूँ तुम्हें। इसके बाद तुम्हें नीचे जाना है, फिर रिसोर्स पैक पर दबाना है, तो वहाँ पे जो एक माई पैक में तुम्हें लेकर करना है बियर बोन स्ट्रक्चर पैक, इसको तुम्हें एक्टिवेट कर देना है। उसके बाद तुम्हें वर्ल्ड को खोल देना है, उसके बाद तुम्हारा वर्ल्ड का जो भी ग्राफिक्स होगा टेक्सचर होगा वो एकदम ट्रेलर जैसा बन जाएगा कुछ ऐसा। तो अब मैं तुम्हें इसको एक्सप्लोर करके दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है। अब देखो तुम जैसे कि माइनक्राफ्ट के ट्रेलर में था ना, बिल्कुल अब वैसा बन गया ऐसा ग्राफिक्स। अब देख के रहे हो, मैंने तुम्हें बता देना, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को पूरा देखो और भी कुछ पता लग जाएगा इस पर और क्या क्या हुआ है। चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि इस टेक्सचर में बाकी चीज़ें कैसे दिखते हैं। तो ये तो था विलेज की, विलेज काफ़ी कमाल का दिख रहा है, एकदम से ट्रेलर जैसा दिख रहा है, तो तुम देख ही सकते हो। और ये देखो घर भी एकदम ट्रेलर जैसा लग रहा है, भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई ट्रेलर ही खेल रहा हूँ। अरे भाई तूने ऐसा ग्राफिक्स कैसे लाया? जाके मेरा वीडियो देख पता लग जाएगा। तो चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि बाकी चीज़ें इस टेक्सचर में कैसा लग रहा है और कितना कमाल का लगता है। क्योंकि विलेज तो तुमने देख ही लिया है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है, तुमने ट्रेलर जैसा लग रहा है। तुम ग्रास ब्लॉक भी देख सकते हो एकदम से, मतलब कि बढ़िया लग रहा है, एकदम ट्रेलर जैसा ही लुक दे रहा है एकदम से ग्रास ब्लॉक भी, और बाकी की चीज़ें भी देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है एकदम से। लग नहीं रहा कि वो पुराना वाला माइनक्राफ्ट एकदम लग रहा है कि हम माइनक्राफ्ट ट्रेलर ही खेल रहे हैं। और तुम देख सकते हो यहाँ पे, ये देख लो, ये टॉर्च वाला भी कितना बढ़िया लगता है, ये रोड भी कितना बढ़िया है, ग्रास भी कितना बढ़िया है, और तुम घर भी देख सकते हो एकदम से पूरा ट्रेलर जैसा लग रहा है। घर भी, दरवाज़ा भी एकदम ट्रेलर जैसा है, एकदम एकदम बढ़िया लग रहा है बढ़िया। और पानी दिखाया तो मैं तुम्हें, पानी भी देखो एकदम से साफ है, एकदम से क्लियर है, प्योर है, एकदम से ट्रेलर जैसा है ये पानी भी, काफ़ी बढ़िया है। तो इसको तुम डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वहाँ तुम डाउनलोड कर सकते हो। और ये क्या देखो, ये घर भी कितना बढ़िया लग रहा है, और ये देखो एक फार्मर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है, एकदम से ट्रेलर जैसा लग रहा है इसका भी लुक्स। ये देखो, अरे भाग कर रहा है भाग। चलो मैं तुम्हें कुछ ब्लॉक्स भी दिखा देता हूँ कि ब्लॉक्स कैसे दिखते हैं इस टेक्सचर में, क्योंकि इसका कुछ ब्लॉक्स के मतलब टेक्सचर बदले, जैसे कि तुम ग्रास ब्लॉक को तो देख सकते हो तो बदल गया पूरा कपड़ा, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और ये हेवल्स भी काफ़ी एकदम से अच्छा लग रहा है। अब मैं तो देखता हूँ बाकी के ब्लॉक्स कुछ ऐसे दिखते हैं, तो चलो देखते हैं। ये सबसे पहले एमआरएल ब्लॉक को देख देते हैं। एमआरएल ब्लॉक तो मुझे उतना कुछ खास बदला नहीं है, एकदम मुझे नॉर्मल लग रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत बदला है। अब डायमंड ब्लॉक को भी देख लेते हैं, डायमंड ब्लॉक कैसा लग रहा है। हाँ भाई, डायमंड ब्लॉक मेरे ख्याल से भी थोड़ा सा बदला है और थोड़ा लाइट हो गया सा कलर, लेकिन बढ़िया लग रहा है, जैसे भी लग रहा है काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में डायमंड ब्लॉक। एमरल्ड उतना नहीं बदला लेकिन डायमंड बदला। चलो अब चेस्ट को देख लेते हैं, और चेस्ट को यहाँ पे लगा के देखते हैं। और भाई चेस्ट तो भी काफ़ी ज़्यादा बदल गया, चेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है एकदम से, मतलब कि ट्रेलर जैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है चेस्ट। चेस्ट एकदम अच्छा हो गया है इस टेक्सचर में। और भाई ये है कैंप फायर भी भाई देखो काफ़ी ज़्यादा मतलब बदल गया है, और काफ़ी मस्त भी लग रहा है कैंप फायर दिखने में। और अब और भी थोड़े कुछ अलग अलग ब्लॉक्स को एक बार ट्राई करके देखते हैं। ये फर्नेस को देख लेते हैं, इस फर्नेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, मतलब फर्नेस को भी बदल दिया है इन्होंने, काफ़ी अच्छा लग रहा है ट्रेलर जैसा लग रहा है। और ये क्राफ्टिंग टेबल को देख लेते हैं, क्राफ्टिंग टेबल उतना नहीं बदला है, पहले ऐसे ही मुझे लग रहा है, और नॉर्मली क्राफ्टिंग टेबल में कुछ खास बदलाव आया नहीं है। और अब ये व्यू देखो भाई कितना मस्त लग रहा है, ये आ गया फिर से व्यू ख़राब करने। हो गया रात का समय, और अब देख लेते हैं स्केलेटन और जॉम्बी कैसा दिखता है। स्केलेटन तो भाई देखो एकदम से बदल सा गया है, और एकदम काफ़ी मस्त भी लग रहा है दिखने में, एकदम से कार्टूनिश भी हो गया है, लेकिन एकदम से तब ट्रेलर जैसा हो गया स्केलेटन, एकदम स्केलेटन भाई बदल गया है देख सकते हो तो यहाँ पे। और मतलब इनका चलने का तरीका तो नहीं बदले, उसके लिए हमें एक एनिमेशन का पैक डाउनलोड करना पड़ेगा, तुम्हें उनको ट्रेलर में जैसे चलते वैसे भी चलाना है, तो उसके लिए भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, उसके लिए वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी ये इस वाले वीडियो में बस मैं एक टेक्सचर पैक दिखा रहा हूँ तुम्हें, जो इसका मतलब ग्राफिक्स को बदल देगा एकदम ट्रेलर जैसा कर देगा, एनिमेशन कहीं नहीं। और भाई जॉम्बी तो मुझे सेम ही लग रहा है, जॉम्बी में उतना कुछ खास बदलाव आया नहीं है जैसा था वैसा, ये थोड़ा बहुत बदलाव आया है। बस यही था हमारा आज का वीडियो, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो भाई चैनल को दो सब्सक्राइब और कर दो वीडियो को लाइक, और अगला वीडियो कौन सा टॉपिक चाहिए उसके लिए कमेंट कर देना। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाई।